नमस्कार दोस्तों, TS यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप नरवर फूड का नवा ब्लॉग देख रहे हैं। वीरता, साहस, शौर्य के पर्याय और बुंदेलखंड की वैभवशाली परंपरा के अनन्य योद्धा आला और उदल के किस्से 12वीं शताब्दी में आलाखंड में देखने के लिए मिल जाते हैं। आला और उदल चंदेल राजा परमाल देव के मुख्य सेनापति थे। इनकी वीरता जग जाहिर थी। इन्होंने 52 लड़ाइयाँ लड़ीं और जीतीं। एक कहावत है कि नामी योद्धा मोहबे वाले, जिनकी जुलम कठिन तलवार, एक को मारें दो मर जावे, तीसरो खोप खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदो घुस गो, ऊपर लूथ लही सरकाए। आज हम और उदल की जो कहानी है उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। उदल की ससुराल नरवरगढ़ में थी, जिसे मोहरमगढ़ के नाम से जाना जाता था। यहाँ के राजा उस समय मोतीमल थे। मोतीमल राजा की एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम फुलवा था। उदल ने फुलवा से विवाह करने की ठाने। यहाँ पर राजा के महल में मल्ल युद्ध हुआ, वही अखाड़ा आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं नरवरगढ़ के किले पर। दोस्तों, आप जो देख रहे हैं इस सामने, यही वो जगह है जिसे आला उदल का अखाड़ा कहते हैं। तो अभी मैं आपको लिए चल रहा हूँ आला उदल के अखाड़े पर। यहाँ पर उस समय पर देखिए, अब हम आ चुके हैं आला उदल का अखाड़ा। और ये सुगंधी बाथम जी, जिनके साथ किले को हम घूम रहे हैं। और देखिए, यही वो जगह है जहाँ पर उदल ने युद्ध करते हुए और कुश्ती में वहाँ के वीर योद्धाओं को हराया। और ये ज़बरदस्त नरवर फोर्ट का अखाड़ा, यहाँ पर कई चीज़ें देखने लायक हैं, ऐतिहासिक हैं। आज देख रेख न होने के कारण खंडर होने की अवस्था में है। और ये नरवर का जो किला है, राजा नल का किला हुआ करता था। और इस किले पर कई राजाओं ने शासन किया। और यहाँ पर जगह जगह पर यहाँ की जो विरासत है वो बिखरी पड़ी है। ये 48 किलोमीटर में फैला नरवर का किला अपने आप में एक विशेष पहचान रखता है। यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप देखेंगे तो चकित रह जाएंगे। पर अकेले ना आएँ, ग्रुप में आएँ। और अभी हम चल रहे हैं पसर देवी, जो राजा नल की कुल देवी थी, उसकी तरफ। और यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और रास्ते में ही हमें एक और मंदिर दिखाई पड़ रहा है। तो हम देखते हैं कि कौन सी देवी का मंदिर है। यहाँ पर मंदिर मस्जिद बने हुए हैं और अभी हम पहुँचने वाले हैं। तो ये जो मंदिर है, माँ मनसा देवी का मंदिर है। देखिए, मैं झूम करके दिखा रहा हूँ आपको। और यहाँ से अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, रुकेंगे नहीं, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी भरे और ज़बरदस्त वीडियो मिलते रहें। और मिलेंगे अब हम नए ब्लॉग में, जैसे पसर देवी के मंदिर पर। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।